कहते हैं कचहरी में एक संत पर अभियोग की सुनवाई चल रही थी। न्यायाधीश अपने सामने चोर को कटघरे में खड़ा देखकर आश्चर्यचकित थे और जब उन पर लगाए गए लांछन और अभियोग उन्होंने सुने तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ टूटी फूटी हंडियां, पुराने घिसे हुए झाड़ू और फटी हुई दरियों की चोरियां की थी। न्यायाधीश को एक बार तो यह सब देखकर सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई आदमी आवश्यकता होने पर, जरूरत आ जाने पर तो चोरी कर सकता है, पर फटी हुई दरियां और घिसे हुए झाड़ुओं की चोरी। पर ठीक है, जब उनसे पूछा गया संत प्रवर से कि क्या आपने चोरी की, संत प्रवर ने बिना किसी झिझक के झट से हां भरी और कहा, हां मैंने चोरी की है। गवाह ने भी बता दिया कि चोरी की है। संत को एक महीने तक कैद की सजा सुना दी गई। संत मुस्कुरा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि वह अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में सफल हो गया। और मुस्कुराते हुए वह कारागार की तरफ बढ़ा। न्यायाधीश को थोड़ा सा अटपटा लगा, संत का अंदाज भी रहस्यमय लगा। तो न्यायाधीश कैद खाने में, कारागार में संत प्रवर से मिलने के लिए गया और कहा, महाराज बात समझ में ना आ पाई कि आप और चोरी करें। आखिर आपको ऐसी कौन सी चीज की जरूरत आ पड़ी कि जिसके चलते आपको चोरी करनी पड़ी? आप तो एक महीने के बाद छूट जाएंगे, पर बाहर निकलते ही आपके सामने समस्या आएगी, क्या आप फिर चोरी करेंगे? मैं नहीं चाहता कि आप चोरी करें। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मेरे घर संदेशा भेज दिया करें और मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दूंगा। संत रहस्यमय अंदाज में हंसा और कहने लगा, न्यायाधीश तो क्या तुम ये समझते हो कि मेरे पास किसी चीज की कमी है इसलिए मैं चोरी कर रहा था? ऐसा नहीं है, मैंने चोरी चोरी करने के लिए की है और मैंने चोरी इसलिए की है ताकि मैं कैद खाने में आ सकूं, कारागार में आ सकूं, और कारागार में इसलिए आ सकूं ताकि यहां पर बंद पड़े कैदियों को उस संदेश का स्वामी बना सकूं कि जिनको सुनकर के वे लोग अपने बंधनों को नीचे गिरा सके। लगता है ये सारा जगत ही अपने आप में एक कारागार है। यहां पर हर इंसान बंधा हुआ है, हर प्राणी बंधा हुआ है, और संत लोग, ज्ञानी लोग, महर्षि लोग इंसानियत के बीच में अपने चार कदम रखते हुए हर किसी इंसान को उस संदेश का मालिक बनाना चाहते हैं कि जिस संदेश और ज्ञान को पाकर के वे अपने बंधनों को समझ सकें और बंधनों को काट सकें, मुक्त हो सकें। हर संत मुक्ति का पैगाम होता है, हर संत पवित्रता का पुरोधा होता है, हर संत मानव जाति के विकास
मानव जाति के आध्यात्मिक कल्याण की कामना और भावना से भरा हुआ होता है। संत का दायित्व ही यही होता है कि व्यक्ति को उसके बंधन समझाए और बंधनों से मुक्त होने का रास्ता दिखाए। उस संत ने भी तब कभी मानव जाति को, जो कि कारागार में बंधी हुई थी, कारागार एक प्रतीक है, ये कहानी एक प्रतीक है, हकीकत में अपन सभी लोग बंधे हुए हैं और इसमें कोई महावीर जैसा महापुरुष एक संत का बाना पहने हुए आता है, जिन पर लोगों ने, हो सकता है कि जैसे कि जीसस पर लांछन लगाए गए, सुकरात पर लांछन लगाए गए और उसी लांछन के चलते ही तो उन्हें सलीब पर चढ़ना पड़ा, जहर पीना पड़ा, महावीर पर भी लांछन लगाए गए होंगे तभी तो उनके कान में कीले ठोके गए। तो ऐसे लांछन लगाए जाने के बावजूद वे हम सब लोगों के भीतर के कारागार में चार कदम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वे भीतर आकर हम लोगों को समझा सके कि हे जीव, ये है तुम्हारे बंधन और ये है तुम्हारे लिए उन बंधनों से मुक्त होने का रास्ता। हमें लगता है कि जो लोग कारागार में कैद हैं वे ही कैद हैं, पर आत्मज्ञानी लोगों की अंतर्दृष्टि उन्हें यही बोध कराती है कि धरती पर रहने वाला हर प्राणी अपने आप में बंधा हुआ है। हर प्राणी, मैं भी, आप भी। और कोई ये ना समझे कि अपन लोग कोई लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, हम सब लोग अपने आप से बंधे हुए हैं। कोई यह ना समझे कि पति पत्नी से बंधा हुआ है। पुरानी कहावत चलती है कि मियां बीवी का गुलाम, पर हकीकत में कोई किसी का गुलाम नहीं होता, दुनिया में हर कोई अपना गुलाम होता है, हर कोई अपने आप से बंधा हुआ होता है। पंडित की क्या ताकत है, अग्नि की क्या ताकत है, सात फेरों की क्या ताकत है कि जो इंसान को एक दूसरे से बांध सके। बंधन इंसान की कमजोरी है और मुक्ति इंसान का आत्मविश्वास है। आदमी आग पर लगाए गए सात फेरों के कारण बंधा हुआ नहीं है, आदमी अपने ही मन के मोह तत्व के कारण बंधा हुआ है। हर कोई इंसान अपने आप के कारण बंधा हुआ है और अपने आप से ही बंधा हुआ है। यही तो इंसान को समझने की बात है कि इंसान किससे बंधा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब ध्यान धरेगा तो वह भली भांति समझ सकेगा कि हम में से हर कोई व्यक्ति अपने अपने संस्कारों से बंधा हुआ है। जन्म जन्मांतर के भोगे गए संस्कार, जन्म जन्मांतर तक बांधे गए संस्कार, और उन्हीं संस्कारों से, उन्हीं तरंगों से, उन्हीं घेरों से, उन्हीं लहरों से, उन्हीं बेड़ियों से, उन्हीं जंजीरों से, उन्हीं शलाखाओं से अपन सब लोग बंधे हुए हैं। और ये सारे बंधन अपन सब लोगों के अंतर मन के बंधन हैं। दुनिया में कोई भी आदमी अगर काम करता है तो किसकी प्रेरणा से करता है, कौन है प्रेरक हमारा? व्यक्ति का अपना अंतर्मन, कि जो हमें प्रेरित जैसा करेगा वैसा ही हम करेंगे। काया तो बेचारी है, जैसा उसे भीतर का निर्देश मिलेगा ये वैसा अपना स्वरूप ले लेगी। मन में अगर क्रोध उठ जाएगा तो काया भी कम कंपाने लग जाएगी। मन में अगर विकार उठ जाएगा तो काया भी वैसी ही संवेदनशील हो जाएगी। काया कुछ नहीं करती, करने वाला व्यक्ति का सब अंतर्मन है। बंधा हुआ तो वो है, प्रेरक वो है। मन अगर मंदिर जाना चाहेगा तो काया मंदिर की अनुयायी बन जाएगी। मन अगर मधुशाला जाना चाहेगा तो काया मदिरा पीने लग जाएगी। पुरानी कहानी बताती है कि धर्मराज के पास एक साथ दो लोग पहुंचे। पहुंचने वालों में एक था किसी मठ का मठाधीश और दूसरा था उसी मठ के सामने बना हुआ एक किसी गणिका का भवन, किसी नृत्य करने वाली या हल्की भाषा में कहें तो अपनी काया बेचने वाली, किसी गणिका का मकान।
बताते हैं कि जब दोनों लोग ऊपर पहुंचते हैं तो धर्मराज, यमदूत, सभी लोग सामने खड़े होते हैं। यमदूत उन दोनों के जीवों को लेकर के वहां पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि बताओ भाई, इन दोनों में से किसको किस गति में डाला जाए। तो चित्रसेन जवाब देता है, यमराज का सचिव, निजी सचिव, कि मेरे लिखा पढ़ी के हिसाब से मठाधीश जी को नरक गति मिलेगी और इस गणिका को स्वर्ग गति मिलेगी। यह सुनते ही एक बार तो धर्मराज भी चौंके और संत और गणिका का भी चौंकना स्वाभाविक था। गणिका कहने लगी, अरे महाराज, आपसे कहीं को गलती हो गई है? अरे मैं तो गणिका हूं, नाचने वाली, काया बेचने वाली, मैंने तो जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, आप उल्टा बोल गए हैं, संत को स्वर्ग और मुझे नरक। संत भी आग बबूला हो उठे कि तुम भी कैसे हो चित्रसेन, कि संत को कह रहे हो नरक? अरे तुमसे तो अच्छे ये धरती के लोग हैं, जरा नीचे झांक कर देखो तो सही कि धरती पर लोग मेरी शव यात्रा निकाल रहे हैं और मेरी जय जयकार कर रहे हैं, और गणिका के शव को नगर पालिका की गाड़ी आई है, उठा करके ले गई है, नीचे लोग उस पर थू थू कर रहे हैं और मुझ पर फूल चढ़ा रहे हैं। चित्रसेन, तुमसे कुछ गलती हुई है? धर्मराज ने खाता बही देखी और सारी बात समझते हुए तत्काल कहा, गणिका और संत प्रवर, चित्रसेन ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है, गणिका को स्वर्ग भेजा जाएगा और संत प्रवर को नरक भेजा जाएगा। बोले वजह क्या? बोले वजह ये कि तुम रहते थे मठ में, आरती करते थे श्री प्रभु की, लेकिन मन तुम्हारा रहता था उस गणिका की तरफ कि कभी ऐसा मुझे भी मौका मिले कि मैं भी कभी गणिका के पास जाऊं और अपने मन को तृप्त करूं, और दूसरी तरफ वह गणिका अपनी काया को बेच रही होती, नाच रही होती, लेकिन मन में उसके ऐसे सद्भाव उठते कि धन्य है उस बगल वाले मठाधीश जी को, पुजारी जी को, कि जो कि भगवान की अर्चना वंदना कर रहा है, उनकी भक्ति में लगा हुआ है, और एक मैं पापिनी हूं जो ये सब पाप ढो रही हूं। वो तन से गणिका थी पर मन से मंदिर में थी, और तुम तन से मंदिर में थे पर मन तुम्हारा मधुशाला में, मदिरालय में, वेश्यालय में भटक रहा था। धर्मराज यहां पर जो कुछ भी न्याय करते हैं वो इंसान के तन के आधार पर नहीं, मन के आधार पर किया करते हैं, और यही इंसाफ है कि जिसका मन पवित्र वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिपति बनता है, और जिस व्यक्ति का मन दूषित अपवित्र वह व्यक्ति नरक गति का अनुगामी बना करता है। तो मन है आधार, समस्त गतिविधियों का प्रेरक मन है, समस्त पापों की जड़ मन है, समस्त पुण्यों का आधार इंसान का मन है, और इसीलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर ठीक हो गया तो कठौती में भी गंगा अवतार ले लिया करती है। इसीलिए रैदास जी जाति के मोची थे, पर जब राजा ने कहा था कि मैं हरिद्वार जा रहा हूं गंगा स्नान कर